हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। तो वंस अगेन यूरो लीग गाइस, तुर्की वर्सेस इटली का मैच होने वाला है। बेसब्री से इंतजार करता था क्योंकि जब से ये फुटबॉल में ऐड हुआ था ना, जब से ये ड्रीम इलेवन में, तो यूरो 2020 का वेट करता था कि भाई एक दिन रह गया, दो दिन रह गए। तो आज आपकी आंखों के सामने 4 घंटे बाद तो मैच है। आई थिंक मैं ओपन दूँ इसके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि तुर्की और इटली दोनों टीम ज़बरदस्त हैं, बट इटली वॉज मोर बेटर देन तुर्की। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा एक एक चीज़। तो इस मैच में इस मैच की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया आप लोगों के लिए आसानी कर दी, और बस आप लोगों ने ज्वाइन करना है। लिटरली यहाँ पे बस मैं इस वीडियो में नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, अगर आप समझो, ठीक है। जनरली मैं यहाँ पे सिर्फ एनालाइज किया है कि क्या प्लेयर कर सकते क्या नहीं कर सकते, ठीक है, बस आपकी हेल्प के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी देखना। बात करूँ तुर्की वर्सेस इटली की, तो यहाँ पे जो लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि तुर्की जीतेगी, दे वर रॉन्ग। तुर्की जीत सकती है लेकिन इटली कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। इटली एक आधा गोल ज़रूर मारेगी, मैं आपको लिख के कह सकता हूँ। उल्टा इटली 2-3 गोल मारेगी, तुर्की एक आधा गोल मार सकती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा गोलकीपर की, यू कैकिर को लूँगा। अब उगरकन कैकिर को मैंने क्यों लिया भाई, इटली के पेनल्टी टेकर आपने देखे हैं, प्राइमरी पेनल्टी टेकर द फादर, और उसके बाद सेकेंडरी पेनल्टी टेकर हमेशा टीम का लोएस्ट होता है, लेकिन इन दोनों के बराबर क्योंकि ये होते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि इटली टीम के पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ तो कैकिर को मुश्किल आएगी, पेनल्टी रोकता है देन वेलन गुड, नहीं रोकता तो और भी अच्छा है। आगे से बात करूँ डिफेंडर की, देन यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर लियोनार्डो बोनुसी, तो इसके बारे में तो जानते ही हो, अच्छा भला जानते हो कि ये कहाँ से आ रखे प्लेयर्स हैं। और जी चालनी, ये अगर इसको ड्रॉप करना है देन यू कैन ट्राई ए फ्लोरेंजी। फ्लोरेंजी को मत लेना क्योंकि पिछले मैच में मैंने जब देखा लोग सिर्फ सिलेक्शन देखते हैं कि कौन सा प्लेयर ऊपर है, फ्लोरेंजी की जगह सबने पिछले मैच के अंदर इस प्लेयर को ट्राई किया था जिसका नाम है लियोनार्डो स्पिनाज़ोला। तो इस प्लेयर को आज बताऊँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो नीचे और उसकी सिलेक्शन कम है, बट यू डोंट हैव टू सी सिलेक्शन। अरे भाई, प्लेयर का रिकॉर्ड देखो, प्लेयर के असिस्ट देखो, क्या कर सकता है वो। अगर ऐसे सिलेक्शन देख के बनाने लग गए ना तो भाई बहुत हारोगे। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा हैकन को, तो यहाँ पे हैकन को लेने के पीछे का कारण है सेकेंडरी पेनल्टी टेकिंग रेशियो। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। अगर कई लोग जो नए हैं, जो नौ सीखे हैं, वो चारों उठा लेंगे ऊपर के, अरे भाई खेलेगा कोई एक जॉर्जिनो या फिर इसमें से, ये जो आप प्लेयर देख रहे हैं ना टॉप का, प्लेयर्स का हम बोलते हैं फेडरिको, तो वह जॉर्जिनो शायद खेलेगा, क्योंकि पिछले मैच के अंदर मैंने एनालाइज किया है जब यूरो लीग नहीं थी तो जॉर्जिनो को इन्होंने मौका दिया, इस प्लेयर ने सेकंड लास्ट मैच के अंदर गोल किया था तब भी इसको फर्स्ट मैच पिछले मैच में मौका नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि ये खेले, क्या पता इसको रेस्ट दिया हो, दोनों में से एक लूँगा मैं, भले ही दोनों खेले बट मैं एक चुनूंगा, वो मैं आपको बताऊँगा कौन सा, क्योंकि भैया मेरे को एक चीज़ एनालाइज करनी है वो रह गई है, वो मेरे पास टाइम नहीं था तो वीडियो बना लूँ। और तूफ़ान की बात करूँ, ओजन तूफ़ान भी यहाँ पर बढ़िया पेनल्टी टेकिंग रेशियो करता था अपनी टीम की तरफ से, बट इट्स ये तो यूरो लीग का मैच है तो शायद इसको मौका ना मिले। एंड आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है मैटियो पेसिना। आपको पता है मैंने मैटियो पेसिना क्यों लिया, इसका गोल रेशियो बहुत ज्यादा है गाइस, यहाँ तक कि बाकी प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा है। आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, तो एल इंसाइन को लूँगा, यहाँ पे लोरेंजो इंसाइन एंड सी ईमो मोबाइल द पावर ऑफ द टीम। ये मेगा पावर है, ईमो मोबाइल एंड इंसाइन ने वही हाल करना है जो पिछली बार किया था। बी यिलमाज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बुरक यिलमाज़ भी एक आधा गोल मारेगा क्योंकि पेनल्टी टेकिंग रेशियो करता है प्राइमरी में, प्राइमरी पेनल्टी टेकर रेशियो, एंड हैकन वो सेकेंडरी पेनल्टी टेकर। और आगे से बात करूँ इंसाइन के बारे में तो जानते हो, ये लिटरली बंदा ही इंसेन है, और ईमो मोबाइल इन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट 6 मैचेस कॉन्सिक्यूटिव जीते हैं और एक भी मतलब क्लीन शीट से, बहुत बड़ी बात है, किसी टीम को 7-0 से हराया, किसी टीम को 6-0 से, बहुत बड़ी बात है, आज भी वही खेल होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।